नमस्कार, वेलकम यू गाइस वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बता रहे, हमने फिनॉल शुरू किया हुआ है सेकंड ईयर में। किसी पार्ट सेकंड में यूनिट सेकंड कंप्लीट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम हमारा लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं। तो अगर आपको याद हो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने पिछले लेक्चर में क्लीजन रीअरेंजमेंट पढ़ा, हमने वो रिएक्शन पढ़ी थी पिछले लेक्चर में जो OH ग्रुप के कारण होती हैं, फिनॉल के OH ग्रुप के कारण होती हैं। साथ ही हमने शुरू की थी फिनॉल की वो रिएक्शंस जो फिनॉलिक समूह के कारण होती हैं, यानी कि फिनॉल में जो बेंजीन वलय उपस्थित होती है उसकी वजह से कौन कौन सी रिएक्शंस फिनॉल के अंदर होती हैं। तो हमने पढ़ा था उसकी वजह से बेंजीन हमेशा कैसी रिएक्शंस देता है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। इसका मतलब कि जो बेंजीन रिंग है उस पर भी क्या होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है वो संपन्न होंगी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक है फिनॉल की बेंजीन वलय के कारण बेंजीन वलय के कारण अभिक्रियाएं, ठीक है। तो हमने ये तो पिछले लेक्चर में देख लिया था कि कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ये होती हैं, हमें देख रही है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, ये सब आप सभी पढ़ चुके हैं, ट्वेल्थ से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है आप लोगों ने। कौन कौन सी, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजिनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं, ये सभी क्या हैं, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। बहुत अच्छे से पढ़ी हुई, आपको मैकेनिज्म भी आते होंगे, वही हमको यहाँ पढ़नी है दोबारा। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो नेगेटिव चार्ज है फिनॉल में OH ग्रुप की वजह से, OH ग्रुप क्या करता है, प्लस आर इफेक्ट लगाता है, मेसोमेरिक प्रभाव लगाता है, जिसकी वजह से ऑर्थो और जो पैरा पोजीशंस हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है, और वो बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रोफाइल आकर कहाँ जुड़ता है, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़ता है, जिसकी वजह से हमें दो तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट होते हैं और दूसरे होते हैं पैरा प्रोडक्ट, जिनमें स्टेबल कौन सा है, जिनमें स्टेबल होते हैं पैरा प्रोडक्ट। तो आइए पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कौन सी लेना, चलो नाइट्रीकरण ले लेते हैं। नाइट्रीकरण अभिक्रियाएं है ना, नाइट्रीकरण, ये तो आपको पता ही होगा नाइट्रीकरण रिएक्शंस कैसे होती हैं। नाइट्रीकरण में क्या किया जाता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया जाता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर मतलब जिसमें क्या होता है, तनु HNO3 व इसके साथ कौन होता है, तनु HNO3 और H2, ठीक है, और क्या होता है इसके साथ में, कंसंट्रेट H2SO4। लेकिन हम यहाँ कंसंट्रेट H2SO4 नहीं लेंगे, वो हम देखेंगे। अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं तो यहाँ कुछ और रिएक्शन हो जाती है, कुछ और प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हम कंसंट्रेट H2SO4 नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे, तनु HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, या तो फिर HNO3 का CCl4 में विलयन द्वारा फिनॉल का नाइट्रीकरण कराने पर, फिनॉल का नाइट्रीकरण कराने पर हमको क्या मिलता है, ऑर्थो व पैरा प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होता है। कैसा मिलेगा, ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड, यानी क्या रिएक्शन होगी भाई, क्या रिएक्शन होगी, यहां देख लेते हैं। ये है हमारा फिनॉल, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे HNO3 के साथ, ठीक है, HNO3 के साथ यहां पर क्या हो, HNO3 का CCl4, एक तो HNO3 है तनु HNO3, दूसरा HNO3 का CCl4, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन जब कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा कि जो रिंग है उसकी ऑर्थो पोजीशन पर एक तो नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट होगा कि रिंग की पैरा पोजीशन पर कौन आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। एक तो बना ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, दो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल।
ये प्रोडक्ट कैसा रहेगा, ये प्रोडक्ट रहेगा माइनर और ये प्रोडक्ट क्या रहेगा मेजर रहेगा। क्या रीजन है मेजर और माइनर होने की वजह से, यहाँ पर ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ना। तो ये क्या करता है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी हो रही है, इंटरमोलिकुलर हो रही है, मॉलिक्यूल के खुद के अंदर ही हो रही है। तो इस तरह की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा प्रिफरेबल नहीं होती है ना। जबकि यहाँ पर क्या होगा, ये इसके साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, लेकिन इस फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, यानी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो यहाँ पर कैसी होती है, यहाँ पर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये जो होता है ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ये जो होता है पैरा नाइट्रोफिनोल ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और ज्यादा स्टेबल होगा इसीलिए ये क्या होता है मेजर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इसमें इसमें होती है अंतः आणविक और इसमें होती है अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। इसी वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस वजह से नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि ये कैसे होती है रिएक्शन, ठीक है। नोट कर लिए, देखते हैं कैसे होती है मैकेनिज्म, देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमने तनु HNO3 लिया है, कैसे लिया है तनु। अब तनु HNO3 लिया है, उसमें एक HNO3 तो नहीं होगा, दो HNO3 के मॉलिक्यूल होंगे ना, दो HNO3 होंगे, मान लो ऐसे लिख दूं मैं इसको HNO3, दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों ही क्या है डाइल्यूट है, ये क्या देता है, मैं इसको ऐसे खोल के लिख दूं, एक HNO2 को मैं खोल के लिख दूं HONO2, ऐसे लिख दूं HNO3, ये क्या देगा यहाँ से, ये क्या देगा, ये NO3 माइनस, और ये यहाँ से क्या देगा H प्लस देगा, H प्लस देगा ना, तो H प्लस को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा ये, है ना। कंसेंट्रेट H2SO4 के साथ भी होती है, लेकिन वहां दूसरी रिएक्शन हो जाती है, वहां दूसरा प्रोडक्ट बनता है, वो हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है, जहां पर हम साथ में कंसेंट्रेट H2SO4 भी लेंगे। तो ये ले लेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा HO, एक और H जुड़ गया, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है NO2 प्लस NO3 माइनस, तो हमारा क्या हो गया बाहर निकल गया, NO3 माइनस तो बाहर निकल गया, है ना। अब क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, स्टेबल नहीं है, क्या करेगा ये अपने इलेक्ट्रॉनों को वापस लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा एक तो मिलेगा NO2 प्लस, इसके इलेक्ट्रॉन लेकर गया, इसके इलेक्ट्रॉन लेकर गया, ये बॉन्ड क्या आ गया, ये पूरे इलेक्ट्रॉन लेकर गया, नाइट्रोजन पर कैसा आ गया पॉजिटिव चार्ज, प्लस हमको मिला H2O, प्लस हमको क्या मिला NO3 माइनस। अब बेंजीनॉल की रिंग जो है वो खुद ही न्यूक्लियोफिलिक है, तो इसके साथ तो रिएक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है और फिनॉल की रिंग खुद भी न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ये क्या है हमारा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके साथ रिएक्शन हो सकती है, तो वही क्या होगी, वही नॉर्मल रिएक्शन जैसे अब तक करते आए थे। फिनॉल है, सबसे पहले फिनॉल क्या करेगा, H प्लस त्यागेगा, क्या करेगा H प्लस त्यागेगा, H प्लस त्यागेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस H प्लस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा माइनस H प्लस हो जाएगा, माइनस H प्लस होगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा यहाँ पर फिनोक्साइड आयन, क्या बनाएगा यहाँ पर फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन क्या करेगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, ठीक है, मैं इस बॉन्ड को ऐसे बना दूं बेटर समझ में आएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है N डबल बॉन्ड O, और इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल है, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल, क्या करेगा जैसे ही बॉन्ड आएगा ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, है ना, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, मैं ऐसे बना दूं, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ऐसी रहेंगे, हमारे पास क्या था N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पर क्या था पॉजिटिव चार्ज, ये अटैक कर देगा नाइट्रोजन पर, जैसे अटैक करेगा नाइट्रोजन पर ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर, क्योंकि तो चार बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, पांचवा बॉन्ड ये आ गया, नाइट्रोजन चार बॉन्ड ही बनाता नहीं है तो पांच बॉन्ड तो कतई नहीं बनाएगा, तो जैसे अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा भाई, फिर ये ऐसा प्राप्त होगा हमको, यहाँ पर है डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये जुड़ गया NO2 ग्रुप, कैसे NO2 ग्रुप को हम खोल कर लिखे तो इस तरीके से देखते हैं, एन डबल बॉन्ड O और एक होता है O माइनस, ठीक है। अब ये रिंग एरोमेटिक नहीं, पहले तो एरोमेटिक थी, अब यहाँ से इसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी, इतना आने में लॉस होगी, लॉस हो गई तो ये वापस एरोमेटिक होना चाहेगा, तो
तो ये एच प्लस अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। जैसे ये बॉन्ड यहाँ जाएगा यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, वापस से हमारे पास फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो एक तो बनेगा हमारे पास ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, और दूसरा क्या बनेगा हमारे पास, इसी तरीके से रिएक्शन होगी पैरा पोजीशन पर, दूसरा क्या मिलेगा हमको, पैरा नाइट्रो फिनॉल मिलेगा। पैरा नाइट्रो फिनॉल कैसे बनेगा, ये तो बना ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, है ना बिल्कुल। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो पैरा को दिखा देते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो इतना भी काम नहीं करना चाहते। ठीक है, पैरा में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो ये क्या बनाएगा, ये कुछ ऐसा बना लेगा, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, और यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, वही रिएक्शन करेगा NO2 के साथ, NO2 पॉजिटिव है, अटैक करेगा NO2 पर, क्या बना लेगा, ये इस तरीके से बना लेगा, बिल्कुल वैसी रिएक्शन होगी जैसे ये थी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पर H+ होगा, ठीक है, बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस हो गई, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, ठीक है, और यहाँ से H+ बाहर निकलेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा हमको, दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा हमको, कौन सा मिलेगा, ये OH और यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप। तो ये तो पैरा प्रोडक्ट, और ये कैसा मिला हमको, ऑर्थो प्रोडक्ट। ये मेजर बनेगा और वो क्या बनेगा, माइनर बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से नाइट्रेशन रिएक्शन होती है तनु HNO3 के साथ। अगर हम तनु लेते हैं तो जो रिएक्शन है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर हो सकती है, लेकिन अगर हम कंसनट्रेट ले लें तो क्या होगा, पहले की रिंग बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, पहले आप नोट कीजिए फिर बताते हैं। ठीक है, देखते हैं, नाइट्रीकरण ही चल रहा था, ये भी नाइट्रीकरण ही है, नाइट्रीकरण, ठीक है, ये चल रहा था ना। अगर हम कंसंट्रेट ले लें, अगर हम क्या ले लें, कंसंट्रेट ले लें HNO3, और साथ में ले लें कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है, ये क्या है हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो हम बेंजीन में यूज करते थे, यही तो यूज करते थे। अगर हमने कंसंट्रेट ले लिया तो हम जानते हैं फिनॉल में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप, और OH पहले से ही न्यूक्लियोफिलिक थी बेंजीन रिंग, और जैसे इस पर OH ग्रुप आ गया उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ जाएगी तो उसकी रिएक्टिविटी भी जो होगी वो भी तो बढ़ जाएगी ना। तो अगर हम कंसंट्रेट यूज करेंगे तो जो नाइट्रोसोनियम आयन है वो बहुत ज्यादा बनेगा, और बहुत ज्यादा बनेगा तो फिर ये रिएक्शन ऑर्थो पर रुकने वाली नहीं है, केवल पैरा पर रुकने वाली नहीं है, क्या करेगी, ये रिएक्शन इतनी तेजी से होगी, इतनी फास्ट होगी कि सारी ऑर्थो और पैरा पोजिशन एक बार में ही क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित हो जाएगी। यानी कि तीनों पोजीशन पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो क्या बनेगा, तो मैं लिख सकती हूँ कंसंट्रेट HNO3 by 2SO4 के साथ ऑर्थो के साथ किसका निर्माण होता है, ट्राई नाइट्रो फिनॉल का निर्माण होता है। बड़ी होगी ये रिएक्शन भी आप लोगों ने, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, क्या होगा, ये है हमारे पास OH। जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी HNO3 के साथ, वो भी कैसा, कंसंट्रेट किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा ये रिएक्शन इतना फास्ट होगा, NO नाइट्रोसोनियम आयन इतना ज्यादा बनेगा कि सारी स्थितियों पर, दोनों तो ऑर्थो और साथ में पैरा स्थितियों पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। क्या बन गया ये, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बन गया ये, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये एक पीले रंग का पदार्थ होता है, कैसा होता है, पीले रंग का होता है, इसको बोलते हैं हम 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी का एक और नाम भी है, पिक्रिक एसिड, याद है ना, पढ़ा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, कॉमन नेम क्या है इसका, इसका नाम है पिक्रिक
एसिड, यानी कि अगर हम कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 ले लें तो जो रिएक्शन होगा वो कौन सा होगा, वो तीनों ही पोजीशंस पर हो जाएगा क्योंकि रिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, NO नाइट्रोसोनियम आयन भी एक्टिव है, तो तीनों ही पोजीशन प्रतिस्थापित हो जाएंगे और पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। कैसे होगी भाई, वही है नॉर्मल जब मैकेनिज्म वही सेम है अभी तक जो बनाया था, या BSc में भी कर चुके हैं आप, 10th 12th में भी कर चुके हो। क्या होगा, एक है हमारे पास HNO3, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, एक है हमारे पास H2SO4, ठीक है, क्या करेगा H2SO4, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, H2SO4 क्या देगा, H+ देगा, H+ को कौन ले लेगा, H+ को ले लेगा ये, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा HOHNO2, ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ, ये था पिक्रिक ये बना, ऑक्सीजन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, इसने H+ दे दिया तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा HSO4- बना लेगा, ठीक है भाई। अब क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा वापस और यहां से क्या बना लेगा, H2O बाहर निकलेगा, साथ में क्या बनेगा NO2+ बन जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे बना था। जैसे ही NO2+ बना, अब ये क्या करेगा, फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, फिनॉल साथ में तीन लेंगे यहाँ पर क्या, NO2 पॉजिटिव आयन, क्या होगा, अब तो कंसंट्रेट है दोनों नाइट्रोसोनियम आयन भी बहुत ज्यादा मात्रा में है और फिनॉल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है तीनों पोजीशन पर, तो क्या होगा यहाँ पर रिएक्शन में, जैसे पिछली बार हुआ था कि पहले ऑर्थो पोजीशन फिर पैरा, और इसी तरह से फिर से ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप, जैसे अभी जस्ट कराया था उसी तरीके से आ जाएगा, बस कहाँ आ जाएगा, तीनों पोजीशन पर आ जाएगा। नोट कीजिए, OH यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप, यहाँ पर भी आ जाएगा NO2 ग्रुप, यहाँ पर भी आ जाएगा NO2 ग्रुप, तो इस तरह से पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। जल्दी से नोट कीजिए, चलते हैं आगे। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रीकरण की अभिक्रिया होती है, ये भी नाइट्रीकरण है, वो भी नाइट्रीकरण थी, वो थी कब, जब हमने तनु HNO3 लिया था, तब ऑर्थो और पैरा दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन कंसंट्रेट ले लेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन एक ही रिंग में हो जाएगा और सारी पोजीशन एक बार में ही ऑक्यूपाई हो जाएगी और पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमको लेनी है, नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण भी दो तरीके से होगा, ठीक है, हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ ले रहे हैं, यानी ब्रोमीनीकरण करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ भी करा सकते हैं और आयोडीन के साथ भी करा सकते हैं, तो हमने ब्रोमीन के साथ करा ली, बिल्कुल वैसे क्लोरीन और आयोडीन के साथ होगी। ठीक है, तो ब्रोमीन के साथ भी दो तरीके से रिएक्शन हो सकती है, एक तो अगर हम जलीय विलयन ले रहे हैं, जल हम जानते हैं कैसा विलायक होता है, पोलर है, ये डेल्टा माइनस होता है, ये डेल्टा प्लस होता है, कैसा है, ध्रुवीय विलायक है, पोलर सॉल्वेंट है, तो जब भी हम हेलोजन को विलयन, हेलोजन का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, यानी पोलर सॉल्वेंट में बना हुआ विलयन लेते हैं हेलोजन का, तो वो क्या हो जाता है, उससे जो ब्रोमीनियम आयन प्राप्त होता है या फिर हेलोनियम आयन जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, साथ में हमारी फिनोल तो पहले से OH ग्रुप की वजह से बहुत ज्यादा एक्टिव है ना, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो क्या होता है कि जैसे नाइट्रो ग्रुप तीनों पोजीशन पर चला गया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर दोनों ही बहुत ज्यादा एक्टिव होने की वजह से रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और एक बार में ब्रोमीन तीनों ही पोजीशंस पर आकर लग जाती है, जैसे अभी नाइट्रो ग्रुप लगा था तीनों पोजीशंस पर आकर, बिल्कुल वैसे ही तीनों पोजीशंस पर आकर लग जाती है, लेकिन ये कब है, जब हम कोई ध्रुवीय विलायक में बना हुआ विलयन ले रहे हैं, ब्रोमीन का ध्रुवीय विलायक में बना हुआ विलयन ले रहे हैं, तो नोट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर नोट करते हैं क्या, ध्रुवीय विलायक में बने ध्रुवीय विलायक में बने विलयन ध्रुवीय विलायक में बने विलयन से फिनॉल की तीनों
फिनॉल की तीनों स्थितियों पर। अरे किसका मैसेज आ गया, यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं, जो भी है विलयन में फिनॉल की हेलोजनीकरण अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। कैसे होती है? बहुत तीव्र गति से होती है, यानी रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं, है ना, बहुत तीव्र गति से होती है, तथा वलय की दोनों ऑर्थो व एक पैरा स्थिति पर हेलोजन हेलोजन आ जाता है, यानी जस्ट लाइक बिफोर। अभी जो रिएक्शन हुई थी जस्ट लाइक बिफोर, यानी कि अभी जो नाइट्रेशन रिएक्शन हुई थी कंसनट्रेट में, वहाँ पर नाइट्रोसोनियम आयन की जो कंसनट्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, है ना, साथ में फिनॉल रिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, जिस वजह से तीनों ही पोजीशन पर एक बार में प्रतिस्थापन हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर होगा। अगर हम ध्रुवीय विलायक में विलयन ले रहे हैं, जैसे H2O भी एक ध्रुवीय विलायक है, अगर इसमें हम बना हुआ विलयन लेंगे तो फिनॉल की जो हेलोजनीकरण की अभिक्रिया होगी, यानी जो भी हेलोजन हम लेंगे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वो तीनों स्थितियों पर आ जाएगा। यानी कि रिएक्शन कैसे होगी, फॉर एग्जाम्पल क्या हम ये फिनॉल लिया है, हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं Br2 से। कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस। Br2 का हमने सॉल्यूशन कैसा लिया है? एक्वस लिया है, जलीय विलयन लिया है Br2 का, है ना। तो होगा क्या, जलीय विलयन लिया है तो ये इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाएगी कि यहाँ पर हमको एक बार में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और तीनों ही स्थितियों पर हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ठीक है। तो यानी कि अगर हम रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में करा रहे हैं तो तीनों ही स्थितियों पर प्रतिस्थापन पॉसिबल है, लेकिन अगर हम विलायक बदल दें, ध्रुवीय की जगह कोई अध्रुवीय विलायक ले लें तो क्या होगा? तो अगर हम ध्रुवीय की जगह कोई अध्रुवीय विलायक ले लेते हैं तो फिर वही रिएक्शन होगा, यानी कि केवल ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमको प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि अध्रुवीय विलायक, जैसे कौन कौन से ले सकते हैं, जैसे हम CH2 ले सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड और CH2CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड का विलयन ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो जो रिएक्शन है, तो जो रिएक्शन है केवल ऑर्थो और पैरा पर होगी, है ना। तो इसका मतलब हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा मिलेंगे। यदि अध्रुवीय विलायक जैसे मैं अभिक्रिया कराई जाए तो ऑर्थो व पैरा प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होते हैं, है ना। फिर तो दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, यानी कि अगर हम रिएक्शन ऐसे करा रहे हैं, यह है हमारा फिनॉल, ठीक है, एक मिनट इंक खत्म हो गई, यह है हमारा फिनॉल, इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं और हमने विलायक क्या लिया है, विलायक लिया है CH2 या CCl4, कौन सा विलायक लिया है इस बार हमने, CH2, ठीक है, या CCl4 लिया है। टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, 0°C पर होगी, क्योंकि टेम्परेचर की ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है नहीं, ये भी रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिक्सचर मिलेगा, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट, दूसरा क्या मिलेगा हमको, दूसरा मिलेगा हमको पैरा प्रोडक्ट, पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगी। तो ये क्या बनेगा, ऑर्थो, एक तो बनेगा ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, एक है हमारे पास ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, और एक बनेगा पैरा ब्रोमो फिनॉल, दूसरा क्या बनेगा, पैरा ब्रोमो फिनॉल प्राप्त होगा, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से।
ठीक है। तो ये रिएक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो फिनॉल है, ये जो ऑक्सीजन है, ये इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है, इसका इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि ये जो रिंग है इतनी ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है कि सारी पोजीशंस पर रिएक्शंस हो जाता है, सारी पोजीशन पर प्रतिस्थापन हो जाता है। अगर आपको इसको प्रभाव को और देखना है और समझना है तो अगर आपको इसका प्रभाव देखना है तो आप इसकी रिएक्शन कराइए भाई। ये इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर रहा है, अगर हमने ये लिया है SO3H, पैरा प्रतिस्थापित प्रोडक्ट लिया है पहले से ही, है ना, एक फिनॉल लिया है जिसमें पैरा पोजीशन पर पहले से ही ग्रुप है, ठीक है। तो जब मैं इसकी रिएक्शन Br2 से कराऊंगी एक्वस विलयन में, ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा मुझे, जब हमने एक्वस विलयन में कराई थी इससे पहले तो तीनों पोजीशन पर कौन आ गया था, ब्रोमीन आ गया था, है ना। तो अगर आपको इसका प्रभाव, इसका इतना प्रेरणिक प्रभाव होता है, ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करता है रिंग के अंदर, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है रिंग को, इतना ज्यादा एक्टिव बना देता है कि ये जो पहला से जो पैरा पोजीशन पर प्रोडक्ट है ये भी प्रतिस्थापित हो जाता है। ये क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है और हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिल जाता है, ये है OH, क्या बन जाएगा, Br, Br और Br। यानी कि इतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इतना ज्यादा रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल रहा है, ये इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई है रिंग कि ये जो पैरा पोजीशन पर ही कोई और ग्रुप लगा था इसको भी हटा देती है। यहाँ से ब्रोमीनियम आयन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतने ज्यादा बन रहे हैं कि इसको हटा देते हैं और खुद आकर जुड़ जाते हैं, ट्राई ब्रोमोफिनॉल जुड़ जाते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये प्रदर्शित करता है कि ये जो OH ग्रुप का प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है, यानी OH ग्रुप की जो सक्रियता प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है कि पैरा पोजीशंस पर, अगर पैरा जिसके पैरा पे नहीं, अगर ये ऑर्थो पर भी होता ना तब भी प्रतिस्थापित कर देता। तो अगर ऑर्थो और पैरा को कोई से प्रतिस्थापित समूह लगा हुआ है पहले से तो उनको भी ये प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हमने नाइट्रीकरण देख लिया, हमने हैलोजनीकरण देख लिया, अब हम देखेंगे क्या अगला रिएक्शन क्या होता है भाई, सल्फोनीकरण, ठीक है। तो सल्फोनीकरण देखते हैं सल्फोनीकरण, जिसमें हम सल्फोनीकरण कराते हैं, ठीक है। सल्फोनीकरण कैसे कराया जाता है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जब फिनॉल की अभिक्रिया इसके साथ कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराई जाती है तो कम ताप पर, यहाँ टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, अगर टेम्परेचर कम है तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ऑर्थो, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो पैरा मिलता है। तो कम ताप पर क्या मिलता है, ऑर्थो उत्पाद, तथा उच्च ताप पर कौन मिलता है, पैरा उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, अगर टेम्परेचर कम है तो ऑर्थो मिलेगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो पैरा मिलेगा। यानी कि मैं इसे प्रदर्शित कर सकती हूँ, इसे ये क्या है, हमारा फिनॉल है भाई, इधर रिएक्शन करा रही हूँ मैं H2SO4 के साथ, कैसा है, कंसंट्रेट, यहाँ करा रही हूँ मैं, मान लो टेम्परेचर लिया है मैंने 10-15 ले लो, 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कम टेम्परेचर लिया है, और यहाँ पर मैं रिएक्शन करा रही हूँ कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, यहाँ मैंने टेम्परेचर लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कम है ये ज्यादा है, ज्यादा होगा तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट बनेगा पैरा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा SO3H, है ना, और अगर टेम्परेचर कम है तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ऑर्थो बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा SO3H, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो बनेगा पैरा प्रोडक्ट, और अगर टेम्परेचर कम है तो बनेगा
ऑर्थो प्रोडक्ट है ना। तो ये क्या बन गया, पैरा, हमारे पास क्या था, फिनॉल था, तो फिनॉल, और ये बन गया सल्फोनिक अम्ल यानी एसिड, पैरा फिनॉल सल्फोनिक अम्ल, और ये है ऑर्थो फिनॉल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, मैकेनिज्म बिल्कुल नाइट्रीकरण जैसा ही है। और हाँ, इससे पहले मैंने हेलोजनीकरण कराई थी, उसका मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही है जैसा बीएससी में पढ़ते आ रहे थे। सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, फिर उसकी रिएक्शन रिंग के साथ होती है, बिल्कुल वही रिएक्शन है, वही मैकेनिज्म है सारे जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर फिर भी अगर आप देखना चाहो मैकेनिज्म, तो ऐसे लिख सकते हैं H2SO4 है, मैं H2SO4 को ऐसे लिख दूं, क्या है हमारे पास H2SO4 है। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा H2SO4 का, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो एक दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा H2SO4 का। ये क्या करेगा, H+ देगा, क्या करेगा, H+ देगा, और इस H+ को कौन ले लेगा, ऑक्सीजन के पास तो भाई लोन पेयर है, तो इस H+ को ले लेगा। ठीक है, इस H+ को ले लेगा, ऐसे यहाँ पर भी H+ है, यहाँ पर भी क्या है, H+ है, ये भी क्या करेगा, H+ को ले लेगा, फिर क्या करेगा। ठीक है, तो कोई भी ऑक्सीजन ले सकता है, ये वाला भी ले सकता है, ये वाला भी ले सकता है, यहाँ पर भी लोन पर है, यहाँ पर भी लोन पर है, किसी भी एक को ले सकता है। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा HO, मैं लिख दूं S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बन जाएगा OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस HSO4 माइनस बन जाएगा, ये बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से जाएगा। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से जाएगा, लेकिन ये ऐसे ही नहीं बन जाएगा, मैं इसको ऐसे लिखूं, ये है OH। ठीक है, ये है, तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर जो है यहाँ पर शिफ्ट करेगा, और यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। जब यहाँ से ही लोन पेयर शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन क्या बना लेगा, मैं से लिखूं, इसको बाद में लिखेंगे, क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा HO डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O प्लस H2O, ये बना, है ना, ये बना, ये क्या करेगा, जैसे ही ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बनाए, पॉजिटिव चार्ज आ गया, H2O क्या करेगा, यहाँ से H+ ले लेगा। तो फाइनली हमको क्या प्राप्त होगा, फाइनली हमको प्राप्त होगा एक तो प्राप्त होगा SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, और दूसरा क्या प्राप्त होगा, H3O+ यहाँ से क्या मिलेगा हमको, HSO4-। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल, याद रखिएगा, बीएससी में भी आपने पढ़ा होगा, सर आपके जो सर मैडम जो भी थे आपने उनको उन्होंने आपको पढ़ाया होगा कि इस रिएक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो हमेशा सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, SO3 होता है ना। यहाँ से आप निकाल लोगे SO, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इससे और H भी जुड़ा हुआ है ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये कर देंगे, यहाँ से HO S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O H2O जैसे बाहर निकलेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह यूज कर लेंगे। लेकिन नहीं, ये नहीं बनता इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये नहीं बनता। क्या बनता है इलेक्ट्रोफाइल, SO3 बनता है। ठीक है, अब आगे रिएक्शन कैसे होगी देखते हैं, याद रखिएगा इलेक्ट्रोफाइल हमेशा कौन बनता है, SO3 बनता है। अब आगे रिएक्शन कैसे होगी देख लेते हैं। यह है हमारे पास फिनॉल रिंग, रिएक्शन दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा, वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना, जैसे ऑर्थो पर बनेगा बिल्कुल वैसे ही पैरा पर बनेगा। जैसे NO2 में कराया था ना, एक ऑर्थो पर बनाया तो, और पैरा पे बनेगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, पैरा पर आ जाएगा लोकलाइज होकर, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी मैकेनिज्म सेम ही रहेगा। तो मैं एक ही बताऊंगी, बाकी आप समझ जाएंगे, समझदार है ना, बच्चे नहीं है छोटे से। यहाँ पर है OH ग्रुप, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ये H+ त्यागेगी, और H+ ना भी त्यागे आप बार बार H+ क्या त्याग पाओगे, तो क्या होगा, हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, है ना, यहाँ जाएगा तो ये स्लैब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, मैं इसे लिख दूं, बॉन्ड ऐसे बनाऊं। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन SO3 कुछ ऐसा होगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड लेते हैं, हम क्या लेते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड लेते हैं, तो पहले ये टूटता है, कैसे ये टूटेगा, ऐसे ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो
होगा। जब ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट होगा तो ये क्या बना लेगा, ये ऐसे बना लेता है, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, और यहाँ पर क्या होगा, एस प्लस। ठीक है, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है ये, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एस प्लस और ओ माइनस, दोनों बात सेम ही है, दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये आपकी मर्जी आप कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेगा सल्फर पर। ठीक है, क्या प्राप्त होगा हमको, ये प्राप्त होगा हमको, मान लो जो रिएक्शन हो रही है वो कम ताप पर हो रही है। हम रिएक्शन कैसे करा रहे हैं, कम ताप पर करा रहे हैं, तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ क्या बनेगा, एस ओ थ्री, और इस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज है। ये वाला बॉन्ड ये वाला बॉन्ड यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, यहाँ पर एच प्लस है, रिंग एरोमेटिक थी लेकिन अब एरोमेटिक नहीं है, ये वापस एरोमेटिक होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ से एच प्लस निकलेगा, ये बॉन्ड अपने यहाँ ट्रांसफर कर लेगा, यहाँ से कौन निकलेगा, एच प्लस निकलेगा, और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर है एसओ थ्री माइनस, और यहाँ पर क्या आ गया, ओ एच। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एसओ थ्री माइनस, और यहाँ पर क्या आ गया, ओ एच आ गया। ठीक है, अभी क्या निकला है हमारे पास, एच प्लस निकला है ना, एच प्लस को कौन ले लेगा, एच प्लस निकला हुआ है, इस एच प्लस को कौन ले लेगा, यहाँ पर एसओ थ्री माइनस है, इस एच प्लस को कौन ले लेगा, इस एच प्लस को कौन ले लेगा, एसओ थ्री माइनस ले लेगा, और यहाँ पर फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, एसओ थ्री एच मिल जाएगा, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल मिल जाएगा। यहाँ से जो एच प्लस निकला इसको कौन ले लेगा, एसओ थ्री माइनस ले लेगा, और एसओ थ्री एच बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा, एसओ थ्री एच बना लेगा। करिए भाई जल्दी से नोट कीजिए, मैं कहने का बिल्कुल ऐसे ही पैरा पे भी होगा, बस ये चार्ज कहाँ आएगा, लोकलाइज होगा, ये जो चार्ज है ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये चार्ज यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज पर, है ना, यहाँ आ जाएगा पैरा पोजिशन पर, तो पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा, टेम्परेचर रहेगा ये सा हाई रहेगा, तो सेम मैकेनिज्म होगी। करिए जल्दी से नोट, ठीक है।